तो हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर 2023 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25th हाईएस्ट सेलिंग कार ऑफ सितंबर है महिंद्रा की ऑफ रोड एसयूवी थार। इसकी 5417 5417 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर 2023 में। पिछले महीने ये गाड़ी 24th पोजीशन पर थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.98 लाख रुपीज शुरू होकर 16.94 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 24th पोजीशन पर अभी हाल ही में लॉन्च हुई होंडा की एलिवेट। इसकी 5685 5685 यूनिट्स बिकी है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.99 लाख रुपीज शुरू होकर 15.99 लाख रुपीज की मिल जाती है। होंडा एलिवेट की यार काफी अच्छी बिक्री हो रही है। पहले महीने ये गाड़ी बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में एंटर हुई है। इसके बाद 23rd पोजीशन पर ह्यूंडई की प्रीमियम हैचबैक i20 इसकी 6481 6481 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.99 लाख रुपीज शुरू होकर 11.16 लाख रुपीज की मिल जाती है। पिछले महीने गाड़ी इस लिस्ट में थी ही नहीं। इसके अलावा पिछले महीने इस गाड़ी के फेस शिफ्ट को लॉन्च किया गया था। 22nd पोजीशन पर टाटा की अल्ट्रोस इसकी 6684 6684 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने की बात करें तो ये गाड़ी 20th हाई सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.62 लाख रुपीज शुरू होकर 10.74 लाख रुपीज की मिल जाती है। हाल फिलहाल इस गाड़ी में आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आने वाले महीनों में इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद 21st पोजीशन पर है टाटा की टियागो। इसकी 6789 6779 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की बात करें तो ये गाड़ी 16th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से टियागो का पेट्रोल वेरिएंट 5.60 लाख रुपीज इशू होकर 8.20 लाख रुपीज का मिल जाता है, जबकि ईवी 8.69 लाख रुपीज इशू होकर 12.04 लाख रुपीज का मिल जाता है। इसके बाद 20th पोजीशन पर है मारुति की एंट्री लेवल हैचबैक अल्टो K10। इसकी 7791 7791 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की बात करें तो ये गाड़ी 15th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 3.99 लाख रुपीज इशू होकर 5.96 लाख रुपीज की मिल जाती है। कुछ साल पहले तक यार ऑल्टो K10 टॉप सेलिंग गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन इस गाड़ी की हालत ये हो चुकी है कि हाल फिलहाल 20th हाई सेलिंग कार है सितंबर 2023 की। धीरे धीरे यार लोगों के बजट भी बढ़ रहे हैं। पहले के जमाने में अगर कोई पहली बार गाड़ी ले रहा है तो उनका बजट मैक्सिमम 5 लाख रुपए हुआ करता था, जबकि अब लोगों का बजट लगभग 8-10 लाख रुपए होता है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है महिंद्रा की 7 सीटर एसयूवी XUV700। इसकी 8555 8555 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 23rd हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 14.03 लाख रुपीज शुरू होकर 26.57 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है ह्यूंडई की माइक्रो एसयूवी एक्स्टर। इसकी 8647 8647 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 21st हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.99 लाख रुपीज शुरू होकर 10.14 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है टोयोटा की MPV इनोवा। इसकी 8900 8900 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 18th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा 19.99 लाख रुपीज शुरू होकर 26.05 लाख रुपीज की मिल जाती है, जबकि इनोवा हाई क्रॉस 19.67 लाख रुपीज शुरू होकर 30.26 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। इसकी 9519 9519 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 17th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से बोलेरो 9.78 लाख रुपीज इशू होकर 10.79 लाख रुपीज की मिल जाती है, जबकि बोलेरो नियो 9.63 लाख रुपीज इशू होकर 12.14 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है किया की एसयूवी सेल्टॉस। इसकी 10558 10558 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 13th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.89 लाख रुपीज शुरू होकर 20.29 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर है मारुति की वैन ईको। इसकी 11147 11147 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 10th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.27 लाख रुपीज शुरू होकर 6.53 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है मारुति की माइक्रो एसयूवी फ्रॉन्क्स। इसकी 11455 11455 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 9th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.47 लाख रुपीज इशू होकर 13.14 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा। इसकी 11736 11736 यूनिट्स बिकी है सितंबर 2023 में। पिछले महीने ये गाड़ी 11th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.70 लाख रुपीज इशू होकर 19.90 लाख रुपीज की मिल जाती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इसकी 11846 11846 यूनिट्स बिकी है सितंबर 2023 में। पिछले महीने की बात करें तो ये गाड़ी 14th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से स्कॉर्पियो क्लासिक
13.25 लाख रुपीज़ इशू होकर 17.06 लाख रुपीज़ की मिल जाती है, जबकि स्कॉर्पियो एन 13.26 लाख रुपीज़ इशू होकर 24.54 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। चलिए अब हम एंटर होने वाले टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में। तो 10th हाईएस्ट सेलिंग कार ऑफ सितंबर है Hyundai की सब कॉम्पैक्ट SUV Venue। इसकी 12,204 12,204 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 12th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.77 लाख रुपीज़ इशू होकर 13.48 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर ही फिर से Hyundai की क्रेटा, इसकी 12,717 12,717 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर 2023 में। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 6th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.87 लाख रुपीज़ इशू होकर 19.20 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। अगले साल 2024 में इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट आने वाला है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है टाटा की पंच, इसकी 13,936 13,036 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 5th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.99 लाख रुपीज़ इशू होकर 10.09 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, इसकी 13,528 13,528 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 8th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.64 लाख रुपीज़ इशू होकर, इसके बाद 6th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, इसकी 13,880 13,880 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 7th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.54 लाख रुपीज़ इशू होकर 9.39 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है पिछले महीने की टॉप सेलिंग कार मारुति स्विफ्ट, इसकी 14,703 14,703 यूनिट्स बिकी है। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.99 लाख रुपीज़ इशू होकर 9.03 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर है मारुति की SUV ब्रेजा, इसकी 15,001 15,001 यूनिट बिकी है सितंबर 2023 में। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 4th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.29 लाख रुपीज़ इशू होकर 14.14 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, इसकी 15,325 15,325 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर 2023 में। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 19th हाईएस्ट सेलिंग कार थी। अभी हाल ही में इस गाड़ी के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ये फिर से टॉप 5 सेलिंग कार्स की लिस्ट में एंटर हो पाई है। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.09 लाख रुपीज़ इशू होकर 15.49 लाख रुपीज़ की मिल जाती है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट 14.74 लाख रुपीज़ इशू होकर 19.94 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, इसकी 16,250 16,250 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 3rd हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.55 लाख रुपीज़ इशू होकर 7.43 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सितंबर 2023 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। तो ये है मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो, इसकी 18,417 18,417 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर 2023 में। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 2nd हाईएस्ट सेलिंग कार थी। एक्सटर्नल प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.61 लाख रुपीज़ इशू होकर 9.88 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। तो यही थी सितंबर 2023 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ। अगर आप जानना चाहते सितंबर 2023 में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियां बेची है, तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।